हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और होप करती हूँ कि ग्लास स्किन चैलेंज को आप सबने एक्सेप्ट किया है और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके रेमेडीज को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फीडबैक्स मुझे आने शुरू हो गए हैं। सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है अगर पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं, और देख करिए कि आप लोगों को ये मेरे बताए हुए रेमेडीज के बाद फायदा हुआ है, तो इससे इंकरेजमेंट आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप एक फेस टोनर कैसे रेडी कर सकते हैं, जिसके बाद आपके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है लार्ज ओपन पोर्स की, वो भी श्रिंक हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत बिल्कुल फ्रेश लगेगी, ऑइलिंग लगेगी। तो चलिए देखते हैं उस टोनर को बनाते कैसे। 30 डेज ग्लास स्किन चैलेंज का ये पार्ट 3 है, और अभी मैं आपको फेस टोनर के 3 ऐसे ऑप्शंस बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और साथ ही साथ फ्लॉलेस भी। आपके स्किन पे अगर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, पिंपल के मार्क्स, ब्लेमिशेस हो जाते हैं या फिर अनइवन स्किन टोन की शिकायत है, तो इन तीनों टोनर्स में से कोई भी एक इस्तेमाल कीजिए और आपकी स्किन हो जाएगी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। तो पहला जो ऑप्शन है वो ग्रीन टी टोनर है। इसके लिए आपको क्या चाहिए वो मैं बता दूं। आपको हाफ कप ग्रीन टी प्रिपेयर करना है। 3 सैशे आपको हाफ कप गर्म पानी में डालना है, स्क्वीज करके हटा दीजिए जब पानी ठंडा हो जाए। उसमें ऐड कीजिए 1 स्पून ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर, और उसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। 3 से 4 बूंद कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कीजिए और इसको एक स्प्रे बॉटल में डालकर रख दीजिए। इसका इस्तेमाल कीजिए एवरी नाइट। आपको बस करना इतना है कि इसको स्प्रे करना है अपने फेस पे और नेक पे, उसके बाद हाफ एन आवर तक छोड़ दीजिए इसी तरह लगा हुआ, और उसके बाद किसी भी गीले कपड़े से अपने फेस को आप वाइप ऑफ कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसको स्प्रे करने के बाद ओवरनाइट छोड़ सकती हैं, रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है राइस वाटर टोनर। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको 4 टेबलस्पून राइस वाटर चाहिए, 4 टेबलस्पून कोकोनट वाटर चाहिए और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून रोज वाटर चाहिए। इन तीनों को एक स्प्रे बॉटल में डालिए, शेक कीजिए, अच्छी तरह से मिलाइए। उसके बाद इसमें कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की ऐड कीजिए और इसको एवरी नाइट फेस पे लगाइए। ये आपका दूसरा ऑप्शन है। इसको भी आप ओवरनाइट अपने फेस पे लगा हुआ छोड़ सकते हैं, रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुकुम्बर टोनर आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसमें पोटैटो भी है, टोमेटो भी है, तो आप इसको कुकुम्बर टोनर भी बोल सकते हैं, टोमेटो टोनर भी बोल सकते हैं या पोटैटो टोनर भी बोल सकते हैं। तो आपको लेना क्या क्या है? हाफ टोमेटो लेना है मीडियम साइज का, हाफ पोटैटो लेना है वो भी मीडियम साइज का, और हाफ कुकुम्बर लेना है। इसके बाद आपको जरूरत होगा कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तीनों वेजिटेबल को आप ग्राइंड कर लीजिए, स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। पहला ऑप्शन है कि इस पेस्ट को आप स्ट्रेन कर लीजिए, इस पानी का इस्तेमाल कीजिए एज अ टोनर, रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसी पेस्ट को के आप आइस क्यूब्स बना लीजिए, फ्रीजर में जमा दीजिए, और इसमें से 1 आइस क्यूब लेके आप एवरी नाइट यूज कीजिए अपने फेस पे, अपने नेक पे लगा हुआ ओवरनाइट छोड़ दीजिए, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोनों में से जो भी आपको तरीका आसान लग रहा हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी स्किन को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो ये 3 तरह के टोनर हो गए। आप इस तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक एक वीक में आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे वैसे आप यूज कीजिए और अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाइए। गाइज, इन तीनों टोनर्स की मैं खूबी बता दूं, ये आपके लिए फुल पैकेज की तरह है। अगर आप दिन भर में कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने स्किन के रिजीम के लिए, तो इन टोनर्स को अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो आपकी स्किन ऐसे ही ग्लास स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ट्रस्ट कीजिए इन रेमेडीज को और अपने स्किन को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। देखा आपने कितना आसान था ये बनाने, और मुझे लगता है कि समर में इस तरह के आइस क्यूब्स को फेस पे यूज करने में बहुत मजा भी आएगा। तो ये वाला टोनर है जो न सिर्फ आपके स्किन के लार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा, आपके स्किन को टोन करेगा, आपके स्किन पे बहुत सारे जो ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, उन सबको रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट हैं हमारे स्किन की अनवांटेड चीजों के साथ फाइट करते हैं और हमारे स्किन को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अच्छा बना के रखते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।